दिल्ली इलेक्शन की इस कड़ी में आज हम आए हैं जहांगीरपुरी की इन गलियों में, जहां पर ज़्यादातर जो तबका है वो मजदूरों का है। ये लोग यहां पर इन छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं, एक एक कमरे में आठ आठ लोग रहते हैं, और ये वो वर्कर्स हैं जो हमारी फैक्ट्रीज चलाते हैं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो देश के अन्य राज्यों से आते हैं, दिल्ली में एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में आते हैं, काम की तलाश में आते हैं और अपने परिवारों को सुरक्षित करने की तलाश में आते हैं। आइए सुनते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं, वो दिल्ली इलेक्शन में क्या उम्मीद रखते हैं और वो कैसी सरकार देखना चाहते हैं। दिल्ली में गुजारा करना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि हम लोग 12 घंटा काम करते हुए 12-13 हज़ार रुपये ले जाते हैं। घर चलाने में इतना कठिनाई होती है कि 12-13 हज़ार रुपये जाते जाते 20 दिन नहीं पूरा होता है। अब प्राइवेट जॉब करते हैं तो 3,000-4,000 महीने के देते हैं। अगर ऊपर टाइम एक घंटा लगाओ 2 घंटे तो उसके घंटे के हिसाब से 20-25 रुपया मिलते हैं। किराया 2,500 तो कमरा किराया पड़ता है, और वो 5,000-5,500 रुपया 10 घंटे के मिलते हैं। अब उसी में खुराकी, उसी में बच्चे पालना, उसी में रहना, उसी में किराया भाड़ा दे के उसी में गुजारा भी चलना। बहुत ही छोटे छोटे घर हैं जिनका किराया फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों को चुकाना पड़ता है, और उसके बाद वो दिन भर की मेहनत करते हैं, और उसके बाद अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है उनके वर्क प्लेस पे तो उनको कोई भी सेफ्टी नहीं दी जाती। उदेश श्रीवास्तव हैं, हमारे साथ काम कर रहे थे, 4 साल से काम कर रहे हैं साथ में जी। अल्टेयर पावर प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थानी उद्योग नंबर, प्लांट नंबर 71 में साथ में काम कर रहे थे। काम करते टाइम ऊपर से चैन कूपी गिरी और कमर पे गिरी थी, ये देखिए यहाँ पे, ये इधर। आज तक इनका इलाज चल रहा है और इलाज के दौरान इनकी आवाज़ भी चली गई। अब ये आदमी इतना सीधा इंसान था कि इनका 6 साल से यहाँ पे एक वर्कर का काम कर रहे थे, एसआई कार्ड नहीं बना रखा था, मात्र क्या कहते 6,000 रुपये इसको क्या कहते वो मिल रही थी तनख्वाह, 6,000 रुपये, जहाँ की जबकि इनको मिलनी चाहिए जिस हिसाब से काम ले रहे थे 15-16 हज़ार रुपये इनको मिलने चाहिए थे कम से कम, जैसे इनसे काम लिया जा रहा था। और एसआई कार्ड जो बनना चाहिए था वो नहीं बना इनका 6 साल से। अभी हमें पता चला कि उनका जो ESI कार्ड है वो तक बना नहीं था जब तक कि दुर्घटना नहीं हुई थी, उसके बाद वो कार्ड जो है बनाया गया, तो उन्हें कोई भी बेनिफिट उसका नहीं मिला। और आप लोग के घर में कितने लोग रहते हैं? एक कमरे में कम से कम 5-7 आदमी होते हैं, बच्चे और माँ बाप लेके, मियाँ भी, 7 आदमी मैक्सिमम सब हो जाते हैं। और टॉयलेट वगैरह है? टॉयलेट वगैरह बाहर जाते हैं, शौचालय के होते हैं वो भी जाम हो जाते हैं, कभी सफाई होती नहीं उनकी। ये देखो जगह कम होने की वजह से कहाँ बनाया, देखो तभी हम बाहर लेटरिन करने जाते हैं, वो भी लेटरिन भी बंद है, वो भी वहाँ भी मना करते हैं, 2 रुपये देते हैं हम, कभी 2-2 रुपये हर जगह घर वाले देते हैं। इस कमरे में जिसकी है ना बिल्कुल छोटे है, इसमें कम से कम 8-7 आदमी रहते हैं। उम्मीद दिल्ली यही लेके आए थे कि वहाँ पैसा कमाएंगे, कुछ पैसे अपने घर पे भेजेंगे, जब तक परेशानी नहीं होती आदमी बाहर निकल के काम नहीं करता। देखिए मेरी उम्र आज 34-35 साल हो गई और मैं 15-16 साल से दिल्ली में आया हूँ और काम कर रहा हूँ। 1100 रुपये था, 1100 रुपये में मैंने काम किया, फिर 1500 हुआ, फिर 2200 हुआ, ऐसे ऐसे तनख्वाह बढ़ते रहा, आज जाके सैलरी मेरे को मिलती है। तो 5 सालों में आपके लिए कुछ बदला है जिंदगी में? बिल्कुल नहीं बदला है जी, जहाँ थे वहीं पे हैं। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि किस तरह की सरकार बननी चाहिए, जो आप लोगों के मजदूरों के बारे में जिनको सुननी चाहिए बातें? सरकार से यही मिलती है, जितने भी भाई बंधु गरीब आदमी है उन पर कृपया ध्यान दिया जाए। सरकार जो हर बार वादे करते हैं पूरे तो करते नहीं है, वो हर बार की तरह धोखा ही मिलता है। अरे ये सरकार से तो भैया बचाओ हमारे को, बड़ी बड़ी बातें करे, अरे कभी हिंदुस्तान में कभी घूमे पूरे, कितना विदेशों में जाके इन्होंने रुपया खराब किया है। क्रशिंग स्पेसेस,
लो वेजेस, नो सोशल सिक्योरिटी एंड लैक ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज एंड टू एड टू दिस एपथी फ्रॉम देयर पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इन डेली इज द लाइफ ऑफ लेबर.